हेलो, इट्स मी एंड इट्स द सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ द इवनिंग। माइक एक्सपेरिमेंट मेरा फेल हो गया है एंड इसकी वजह से मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो आई फील वेरी एनर्जेटिक। पहले तो मैं नींद में था, तो अब मैं नींद में नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी तो है ना इंसान की कि अब दोबारा काम करना पड़ता है। और दैट गोज़ टू शो लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि आपको जो है ना हर किस्म का काम थोड़ा बहुत आना खुद चाहिए। कोई चीज़ इतनी टेक्निकल नहीं होती, थोड़ा बहुत आपको बेसिक लेवल तो आना चाहिए। अदरवाइज़ आप किसी तरीके से बग़ैर वीडियो के मतलब बग़ैर ऑडियो के वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में फिर सुन रहे होते हैं और फिर फिल्टर मार के उसको तेज़ करने की कोशिश करते हैं और एंड रिजल्ट मिलता है नील बटा सन्नाटा। तो ऑनवर्ड विद आवर सेशन एंड हैप्पी बर्थडे टू माय फ्रेंड जुनेद अकरम एज वेल एंड कीप शाइनिंग मैन। और हाउ इज़ द बारिश, कैसा रहा बारिशों का सीज़न और कितने लोगों ने इन्जॉय किया? आई थरली इन्जॉयड माई सेल्फ एंड आई मीन दैट इन अ वेरी सार्केस्टिक वे। तो खैर वापस आ जाते हैं और काम की बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ राइट विद शेख साहब। शेख साहब की स्टोरी ये है कि वो कहते हैं कि वो ईशा पढ़ने जाते हैं, तो जो गर्मियों के दिनों में मस्जिद के जो मौलवी साहब हैं वो सहन के अंदर बाहर नमाज ईशा करा देते हैं, और अंदर का जो मतलब कवर्ड एरिया है, जो जगह मस्जिद का है, उधर वो फिर वो सिर्फ लाइट ऑन होती है हल्की सी और एक बस वो कहाँ कोई अंदर कोई नहीं होता। बाकी क्योंकि ईशा पढ़ने वाले लोग कम होते हैं तो दो तीन सफ़ें होती हैं, तो इसलिए जनरली सब बाहर पढ़ते हैं ताकि गर्मी ना लगे और बस दिन ख़त्म हो जाता है। तो हुआ कुछ यूँ कि एक दिन ये सब नमाज़ पढ़ रहे थे तो सजदे में जब जाने लगे तो एक बच्चे की खिलखिलाने की आवाज़ आई और बाकायदा फील हुआ कि कोई अंदर से मस्जिद के अंदर से जहाँ कोई नहीं था वहाँ से भागता हुआ आया, वो छोटा बच्चा, और उसने मौलवी साहब को फट करके लात मारी और वो वापस। अब जब ये सजदे से सब उठे तो उन्होंने नोटिस किया कि मौलवी साहब के सर पे अमामा नहीं था। अब नमाज वगैरह ख़त्म हुई तो उसके बाद गुस्से में मौलवी साहब खड़े हुए और सीधा अंदर मस्जिद में घुसे, इधर उधर चक्कर काटा, इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला। वापस आके उन्होंने कहा कि भाई अब बच्चे लेके आया करें तो कंट्रोल में रखा करें और उनको अपने या तो नमाज में बिठाएं या घर छोड़ के आएँ। तो अब सारे तीन सफ दो सफ में लोग भी परेशान के, अब हमारे साथ तो कोई बच्चा लाया भी नहीं और उसके ऊपर इतना शोर। तो बहरहाल एंड बात ये हुई कि समझ में तो आ गया था कि ये हमारा बच्चा नहीं था, और मौलवी साहब को भी इवेंचुअली समझ में आ गया होगा बाद में, क्योंकि जब सब लोग उनसे मिल के गए तो वहाँ तो वैसे भी कोई बच्चे तो नहीं थे। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दैट इन। और ऐसे अजीबोगरीब वाकयात तो होते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे अहमद वसीम भाई, और अहमद वसीम भाई से पहले एक आवाज़ आ रही होगी आपको जैसे कि किसी के पेट में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो भाई मतलब ये कोई बीमारी है, मतलब रात को साइलेंसर निकाल के और मम्मा पे करके घूम रहे हैं, मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसमें क्या मिलता है भाई। तो बहरहाल पता नहीं, मैं शायद उस एज ग्रुप का नहीं रहा हूँ या मुझे पता नहीं ये करने से क्या मिलता है। खैर गेटिंग बैक टू मोहम्मद अहमद वसीम साहब, और वो कहते हैं कि ये भूरबन अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे गए हुए थे, तो इनके भाई बंद वगैरह का प्लान बना गया हम एक्सप्लोर तो करें कुछ, तो ये सब निकल गए। तो एक्सप्लोर करते करते क्या उतनी काफ़ी आगे कहीं निकल गए थे, तो फिर एक ऐसा थोड़ा सा जंगल टाइप एरिया में जहाँ पे दरख्त वरख ज़्यादा थे तो वहाँ ये घुसे हुए थे। तो चलते चलते एक पॉइंट आया जहाँ पे बड़े मियाँ एकदम से कहीं से निकल आए, सफ़ेद शलवार कमीज़ में, काफ़ी बूढ़े से, और उन्होंने इनको बोला कि आगे अब यहाँ से नहीं बढ़ना और पलट जाओ यहाँ से वापस। अब ये सारे लड़के लड़के थे और वो हंसी मजाक करते हुए जब एकदम से दोबारा नज़र पड़ी तो वो गायब हो चुके थे। तो इन लोगों ने कहा कि भाई छोड़ो, और ये सब जो है वो अपना इग्नोर करके थोड़ा आगे बढ़े। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही इनका पैर कहीं जाके जब लगा तो नीचे देखा तो बाजाब्ता एक कमर बनी हुई थी और उस कवर के ऊपर ही चढ़ गए थे। तो वो डर के पीछे हटे तो फिर नोटिस किया कि ये सामने उसके मकान भी बना हुआ है और सब कुछ, मतलब इस तरह का सिलसिला। तो
अब इस कश्मकश में थे और वो बड़े मियाँ भी गायब हो गए, तो उनका एहसास हुआ शायद वो इसलिए मना कर रहे थे, तो वो पलटे, पलट के फिर किसी बात पे उन्होंने वापस कब्र की तरफ जब देखा, तो देखा कि वो जो पीछे मकान था खूबसूरत से वो गायब हो चुका है और वो सिर्फ वो रह गई है। तो वो देख के फिर सबको लिटरली ऐसा हुआ होगा, उन्होंने बोला भाई भागो यहाँ से, ये पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये एक इनका वाकया था, और थैंक यू फॉर सबमिटिंग दैट स्टोरी। और इसी से फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलीना की। अलीना साहबा कहती हैं कि ये कराची में रहती हैं और इनका एक जिस घर में रहती हैं, तो गालिबन 3 स्टोरीज है और सो, तो मतलब इश्यूज वहाँ रहते हैं छोटे मोटे, लेकिन कभी ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ। तो वो एक्सप्लेन यही कर रही थी कुछ अपनी चीज़ों का, कि जैसे कि ये अपने मतलब ये लोग जनरली फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर जो है वो फर्निश्ड है और वो खाली रहता है आगे रेंट आउट वगैरह करने के लिए। तो ये सेकंड फ्लोर पे उस वक्त थी और ये अपने रूम में बैठ के कुछ अपनी कोई पढ़ाई कर रही थी, कोई पेपर था या कुछ था। और इनका मुंह जो था सामने की तरफ था, दरवाज़ा खुला हुआ था, सीढ़ियाँ नज़र आ रही थी ऊपर आने की। तो ये देखा कि इनका कज़न वो सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर आया, और ऊपर आता हुआ ये इनको मना कर रही है कि मैं पढ़ रही हूँ तुम नीचे आके खेलो। और ये बराबर में इनके जो कमरा था उसमें घुस गई घुस गया और घुसते के साथ ही बेड के ऊपर उसने छलांगे लगाना शुरू कर दी। अब जब ये हुआ तो इनको बड़ा गुस्सा आया कि मैं पढ़ रही हूँ, ये मसला वो मसला, और ये इसको मैं बोल रही हूँ डांट भी रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये जब उठ के गई बराबर वाले कमरे में तो देखा कोई नहीं, उठ के जब जा रही थी तो उस वक्त तो शोर आ रहा था कि कोई छलांगे मार रहा है, लेकिन अंदर गई तो कोई नहीं। उसके बाद उस वक्त तो और रजिस्टर नहीं हुआ, नीचे उतरी कि ये कहाँ गया है, और फिर नीचे जाके उसको पकड़ा कि भाई ये तुम ऊपर क्यों आए थे वो। तो जितने इर्द गिर्द में लोग बैठे हुए थे सबने कहा कि ये तो नीचे ही इन सब के साथ ग्रुप में खेल रहा है, ये तो ऊपर आए ही नहीं। तो इनको एहसास हुआ कि अच्छा ये तो बड़ा मसला हो गया। तो उसके बाद घर की अपनी बतानी थी कि इनको अक्सर कभी ऐसा फील होता था ऐसे शेडो मूवमेंट्स वगैरह, और कभी चिड़ियों को भी इन्होंने एक दफ़ा बंद कमरे में शेडो देखा था, कि बंद कमरा बंद किया हुआ है और एक चिड़िया का शेडो जो है वो बाकायदा मूवमेंट कर रहा है और मूवमेंट करते करते गायब हो जाता। तो इसी तरीके से ये बता रही थी कि जो इनका ग्राउंड फ्लोर है वो खाली रहता है, वेल फर्निश्ड है, लेकिन रेंट आउट नहीं होता तो इनके कब्ज़े में होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई जब गर्मियों में कभी मतलब लाइट गई हुई है कुछ, तो वो अब्बा इनके नीचे आके सो जाते हैं उस खाली उसमें। तो इसी तरीके से इनके घर पे वालिद साहब नहीं थे और सुबह का टाइम था और लाइट चली गई थी, तो ये और उनकी बहन नीचे आके उसी बेडरूम में लेट गई और सो गई। अब वो सो चुकी थी, इनका थोड़ा सा वो वाला केस था कि आंखें बंद थी, सर थोड़ा दर्द कर रहा था, तो उसी सिचुएशन में इन्हें फील हुआ कि कोई भारी सा आदमी धम धम करता हुआ अंदर कमरे में आया और बाकायदा हेडबोर्ड के पीछे जाके इनके खड़ा हो गया है। अब वो वहाँ खड़े होके, अब ये इनको फील तो हो गया था और ये भी डर लगा हुआ था कि घर में अब्बा तो नहीं है तो ये कौन है। तो इनने आंखें नहीं खोली और उसके बाद जो था उसने इनको कहा कि इस कमरे में क्यों आई हो, और आइंदा इस कमरे में आई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो उसने इन्होंने उसको कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे एक्टिंग करती रही जैसे सो रही हैं और दिल में मतलब चीज़ें पड़ती रहीं। फिर महसूस हुआ कि वो इस तरह वॉक करता हुआ चला गया। इन्होंने आंखें खोल के इधर उधर देखा, कुछ नज़र नहीं आया। उसके बाद बहन को उठाया और ऊपर चली गई। और फिर जब अब्बा आए तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है, कि जब आप नीचे गए तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ और मैं तो वहाँ अक्सर सोता हूँ जाके, तो मुझे तो कभी ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो क्या कहते हैं इनकी दादी ने शायद इनको कहा कि भाई वो शायद जो नीचे है उसको तुम लोगों की प्रेजेंस शायद पसंद नहीं है, तो इसलिए तुम लोग मत जाया करो वहाँ। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दैट इन। और इसी बात पे हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के हम बात करते हैं अली मुकद्दस साहब की। अली मुकद्दस साहब कहते हैं कि लाहौर में इनके कज़न का घर है और उस घर में अक्सर कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, और मतलब ऐसा भी हो चुका है कि इनके कज़न ने बाकायदा एक सहन में एक उंगली कटी हुई पड़ी हुई देखी और लोगों को बुलाया कि भाई ये क्या है, तो उस वक्त तक वो गायब हो चुकी। तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन इनको यकीन नहीं था और घर वाले भी उधर के थोड़े से उसको लैक्स लेते थे।
हुआ यूं कि ये नाइट स्टे करने चले गए और वहाँ पे रात को रुके, तो ये मतलब छत वाला कमरा था, टेरेस की तरफ इनकी विंडो थी, वो पूरी इतनी बड़ी टेरेस नज़र आती थी, और ये कमरे में थे तो सारे लड़के साथ सो रहे थे। तो एकदम से इनको फजर से पहले इनको वहशत सी हुई और आँख खुली, तो उन्होंने आँख खुल के इधर उधर देखा तो कुछ अजीब सी फीलिंग तो थी लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। तो फिर नज़र पड़ी खिड़की पे, खिड़की के बाहर देखा टेरेस में एक लड़की खड़ी है जिसने मुंह पे बाल है, अजीब ढीले ढीले कपड़े पहने हुए और एक बेढंगे तरीके से बीच में खड़ी हुई है। उसको देख के तो इनको खौफ तारी हो गया क्योंकि इनके तो घर में ऐसी कोई लड़की है भी नहीं है, वो मतलब फैमिली मेम्बर तो इन्हें है नहीं कोई, तो ये कौन है। तो बस मुंह दूसरी तरफ करके और दुआ पढ़ के और फिर सोने की कोशिश की और ये सो गए। सुबह उठे तो सबको बताया तो उन्होंने बोला ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है और तुम लोग तो डर जाते हो कहानियों से। तो कुछ दिन के बाद इस इंसिडेंट के, ये तो चले गए, तो पड़ोसी आए और पड़ोसियों ने इनको कहा कि भाई आप लोग कैसे लोग हैं, आपकी लगन घर की लड़की जो है वो रातों को टेरेसों में खड़ी रहती है, हम कुछ कर रहे होते हैं ऐसा लग रहा होता है हमें देख रही है और हम खुद परेशान हो जाते हैं कि इसको क्या मसला है, इनको काम वाम नहीं है, कुछ सोना नहीं है, रात भर बाहर खड़ी है टेरेस में। वो मतलब उनके जहन में ये था कि कोई शायद कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट है इनके घर में या कोई जो है जो कि रात को ये छोड़ देते हैं, तो उनको इसलिए वहशत थी कि या कोई इस तरह टेरेस में उसको छोड़ा। तो ये सुन के इनको भी बड़ी हैरत हुई कि ये रात भर एक लड़की खड़े होकर हमारे टेरेस से आप लोगों को ताड़ती रहती है। तो फिर जाके इनको यकीन आया कि सीरियसली मतलब कुछ मूवमेंट है। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दैट इन, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिदा साहिबा की। रिदा साहिबा राइट्स फ्रॉम पिशावर और ये बताती हैं कि दिसंबर 2016 में गालिबन, पता नहीं बहरहाल मेरे ख्याल यही डेट थी, और दिसंबर 2016 में इन लोगों ने घर शिफ्ट किया था। अब घर जब शिफ्ट इन लोगों ने किया तो घर ऐसा लिया जिसके बराबर में खाली प्लॉट थे और खाली प्लॉट में दरख्त थे और कुछ ऐसे दरख्त थे जो बाकायदा ब्रांच आउट करके मतलब इनके मतलब लॉन के ऊपर आए हुए थे और लॉन के ऊपर झुके हुए थे, तो उसकी वजह से एक साया क्रिएट हुआ था। तो अब ये रात को वॉक कर रहे हैं, मतलब एक अनईजी सी फीलिंग उस घर में आने के बाद थी लेकिन वो शायद ऐसी होता है ना कि भाई नई जगह आए तो दिल नहीं लग रहा तो बंदा ये सोचता है, तो एक ऐसी फीलिंग थी तो जिसकी वजह से मतलब इन्हें इग्नोर किया। अब हुआ यूं कि एक दिन ये क्या कहते हैं वॉक करने के लिए नीचे उतरी और ये सोचा कि मैं घर के अंदर ही मतलब चार दीवारी में चक्कर वक्कर लगाऊं थोड़ा सा और वो करूं। तो अब हुआ यूं कि ये अपने दरवाजे निकली, टहल लगाते हुए मेन गेट तक गई तो इनको महसूस हुआ जैसे कि कोई लॉन में खड़ा हुआ है। अब जहन में तो ये आया ना कि लॉन में कौन हो सकता है, मैं गेट बंद है यूं है फलां है। अब ये घूम के जब वापस आई और फिर मेन गेट से वापस आने के लिए मतलब दूसरे चक्कर में अपने घर की तरफ वापस जाने की मेन गेट से, तो लॉन की तरफ जब नज़र पड़ी तो देखा उस दरख्त जो झुके हुए थे उसके नीचे जो जगह थी वहाँ पे एक साया है लंबा 7.5-8 फुट का, जिसका कुछ अजीब सा भारी सा जिस्म था और वो इनको देख रहा है और मतलब शेप जो था इंसानी था लेकिन वो सेमी ट्रांसपेरेंट था, एक शेडो था बाकायदा। वो देख के तो इनको डर शुरू हो गया क्योंकि इनको अंदाज़ा तो हो गया इतना लंबा आदमी तो हो नहीं सकता, और ये सीधा अपने घर में एंटर हुई, दरवाज़ा बंद किया, आयतल कुर्सी पड़ी और सब कुछ इधर उधर फूंक फाँक के तो मतलब रिलैक्स हुई, इग्नोर किया, घर वालों को बताया, उन्हें बोला इग्नोर किया कि भाई उस दरख्त आया हुआ है उसका साया हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो छोड़ दिया। अब ये अपने बेडरूम में गई और इनका जो बेड था उसके बराबर पे थी ड्रेसिंग टेबल, उसका आईना जो था वो खिड़की को रिफ्लेक्ट करता जो इनके कमरे की थी और इनके कमरे की खिड़की जो थी दिखाती थी वो पूरा लॉन का व्यू। अब जब ये लेटी बेड पे और इनका विजन गया ड्रेसर की तरफ तो ड्रेसर के आईने से इनको बाहर का नजर आया नज़ारा, और जब नज़ारा देखा तो इनका ही काला दुपट्टा लेके कोई चीज़ इनकी एक्टिंग करते हुए लॉन में घूम रही थी।
तो बस उसके बाद तो इन्हें मुंह मोड़ा, आए थे वगैरह पढ़ के और ये सो गए। लेकिन अब इसके आगे क्या हुआ तो डू लेट मी नो कि आगे क्या हालात रहे, ये सिलसिला रुका या अभी भी है। थैंक यू फॉर राइटिंग दैट इन। और उसके बाद बात करते हैं रहीम डैडी साहब की। रहीम साहब जो हैं इन्होंने भी घर शिफ्ट किया, तो मतलब घर वालों ने मतलब घर शिफ्ट किया, निकल 2018 में कराची गई हैं। तो अब इनकी कुछ चीज़ें पुराने घर में रह गईं, जिसकी वजह से इनकी वालदा ने इनको कहा कि जाओ वो लेके आओ, ये लेके आओ, वो रह गया, वो ले वॉट एवर। तो ये गए, अब पुराने मोहल्ले गए तो उनको अपने दोस्तों में बैठ के जाके, अब वो 2:30 बजे से 8 बजा दिए इन्हीं ने उनके साथ ही। वहाँ से फिर एहसास हुआ कि लेट हो गया, तो ये अपने घर चले गए पुराने सामान लेने, लाइटें वगैरह ऑन की, सब कुछ किया, अंदर गए, चीज़ें उठाने लगे, तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कहीं कोई खटखटा रहा है। अब खटखटाने के बाद इनको ऐसी महसूस आ रहा, फीलिंग आने लगी जैसे कि कोई इनको जो है कहीं से देखे आ रहा है। अब ये पंखे वगैरह जो इन्होंने चलाए हुए थे वो भी एक कमरे के चलाए हुए, दूसरे में गए और देखा तो वो बंद, वापस आए तो ये वाला बंद। अब ऐसी जब फीलिंग आना शुरू हुई तो इन्होंने सब कुछ बंद किया और मेन पावर सप्लाई बंद की और घर चले गए सामान लेके। घर में रखा, इग्नोर किया, बोला मेरा वहम होगा, वो इतने देर से बाहर निकला हूँ, हो सकता है दिमाग ख़राब हो गया हो, तो वट एवर, कोई भी मतलब बंदा इस तरह की चीज़ सोचता है ना अपने आप को दिलासा देने के लिए, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। अब ये घर गए, चीज़ रखी तो अम्मा ने इनको कहा कि फला फला चीज़ तुम लाए नहीं, और फिर वो अगले दिन खुद गई तो उन्हें देखा भाई पंखे लाइटें सब ऑन। अब वो सब कुछ देखने के बाद इनको डांटा कि भाई ये क्या है और ये क्या हरकत है, और तुम लाइटें नहीं बंद करके आए, और तुम तो कहते हैं मेन पावर सप्लाई बंद की, लेकिन ये तो सब कुछ गलत खुला हुआ है। तो इनको बड़ी हैरानी हुई, तो नहीं मतलब फिर ये बात हुई कि अब जो है ये अपने दोस्तों के साथ जाके वहाँ बैठा करेंगे जब तक ये घर खाली है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ तो आई होगी कि कोई और तो नहीं घुस आता घर में और मतलब ये सब कुछ कर रहा हो। अब दोस्तों के साथ ये बैठे हुए थे तो हैवी बाकायदा खटखटाना शुरू की, आवाज़ आना शुरू हुई। अब उसके बाद जो है इनको बच्चों के रोने की आवाज़ें भी आना शुरू हुई, तो फैसला हुआ कि भाई यहाँ तो मसला है कुछ ख़राब। और कोनों कोनों में इन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि कुछ अजीब अजीब से साए भी हैं, तो ये तो वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठ के गाड़ी से घर जाने के लिए निकले तो बाकायदा रोड पे भी इनको एकदम से एक साया नज़र आ गया, जिसकी चक्कर में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और अच्छा खासा हुआ। और उसके बाद ये घर पे ही फिर बैठ गए 2 हफ्ते के लिए और वहाँ से निकले नहीं, लेकिन एक फीलिंग ऑफ अनईजीनेस घर पे भी आना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद ऐसा होने लगा कि मतलब इन्होंने कमरे का एसी चलाया, टीवी ऑन किया, लेट गए, लेटे लेटे आँख लगी, आँख लग के इस तरह खुल जाती है ना फ़ौरन, तो देखा एसी भी बंद, सब कुछ बंद, सोचा लाइट गई है, पूछा तो बाहर सब कुछ चल रहा है, और घर वाले कह रहे हैं भाई हम तो तुम्हारे कमरे में नहीं आ रही, तो ले लीजिए सब बंद किसने किया। तो उसके बाद फिर इनको एहसास हुआ कि ये जरा वहम नहीं है, और इन्होंने फिर जो जो ये लैकिंग थी इनकी, मतलब आए थे जो नहीं आते, जो सूर्य जो नहीं आते थे, वो इन्होंने उस पर काम किया, पढ़े, सीखे बाय हार्ट। और उसके बाद अब ये कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि अब उस चीज़ से जान छूट गई है, वो जो भी साया था। तो थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट, और दैट स्टोरी है, और अच्छी बात है कि आपने अपनी प्रोटेक्शन का इंतज़ाम खुद कर लिया, तो वो सही रहता है। तो एनी हाउ मूविंग ऑन, तो जस्ट अ रैंडम पर्सन मुझे लगती हैं कि इनके जो दादा अबू थे वो गांव में रहते थे, और गांव के पास ही जो था शहर था, तो वो अक्सर जो थे वो मतलब वहाँ आना जाना लगा रहता था, तो कभी गाड़ी में चले गए, किसी से लिफ्ट ले लिया, साइकिल या कुछ, वरना कभी कभी बहुत होता था इमरजेंसी तो पैदल भी चले जाते थे कि भाई काम से जाना है। तो इसी तरीके से एक दिन ये किसी काम से शहर की तरफ पैदल निकल गए।
अब चलते चलते इनको मतलब काफ़ी रास्ता कवर करने के बाद एहसास हुआ कि ये मैं कोई अजीब सी जगह, मतलब रास्ता जो है ना कट नहीं रहा है, ये क्या हो गया। तो इन्होंने देखा कि एक लड़की जा रही है, तो उससे इन्होंने पूछा कि ये शहर का रास्ता यही है? तो उसने बोला कि ये शहर का रास्ता नहीं है, एक्स वाई जेड शहर का रास्ता है, आप उधर से जाएं। तो इन्होंने शुक्रिया अदा किया और चल पड़े उस पर, और काफ़ी आगे जाके अजीब बयाबान और जंगल जैसी जगह में आ गए। तो ये सोच में पड़ गए, भाई ये कहाँ मुझे गलत रास्ता बता दिया। तो देखा वही लड़की आगे दरख्तों में है, ये उसके पीछे गए, तो पता नहीं क्या हुआ कि बेहोशी तारी हो गई और ये बेहोश होकर गिर गए। जब उठे तो अजीब हालत में घर पहुँचे अपने वापस, और पूरा वाकया बताया कि ऐसा सा हो गया, फिर मैं बेहोश हो गया। लेकिन उस दिन से उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा। फिर रातों को ये निकल जाते थे बाहर वॉक करने और टहलने, ट्यूबवेल वगैरह की तरफ, जो वीराने में, मतलब रात में ट्यूबवेल में कौन होता है, उधर उस तरफ निकल जाया करें और घर पे ताला लगाए जाएं। तो इनके जो वालिद साहब थे उनको कोई शक तो हो चुका था, तो उन्होंने अब इनके ही अपने अब्बा के ही किसी दोस्त को कॉन्टैक्ट किया। और एक रात इसी तरह जब उन्होंने घर वालों को ताला लगा के वो गए ट्यूबवेल की तरफ, तो वो अपने उस दोस्त की तरफ गए जो एक आमिल थे, अच्छे मतलब तो काफ़ी स्पिरिचुअल आदमी थे। तो उन्होंने इनसे बोला कि घर का इनका पहना हुआ कपड़ा ला के मेरे को, तो वो कपड़ा ला के दिया, एक बनियान। तो उन्होंने उस पर कुछ पढ़ के फूका तो देखा वो बनियान चेंज हो गई। तो इनको उन्होंने बोला कि ये देखो इन पे किसी का असर हुआ हुआ है, और कुछ अमलात किए और अपने ही अंगूठे में उनको दिखाया एक विजन कि उनके अब्बा जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे एक औरत चलती हुई इन पे चुड़ैल नुमा जा रही है, और उनके पीछे मतलब साए की तरह वो औरत इनके साथ साथ है, और वो पैदल घूम रहे हैं और चल रहे हैं सब कुछ। तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर इनके ऊपर के जब निकले थे तो वीराने में कोई चुड़ैल का साया आ गया और वो इनके पीछे ऊपर हावी हो गई है। और उसके बाद फिर इन लोगों ने अमल शुरू किया, सब कुछ किया, फिर इवेंचुअली वो नॉर्मल हो गए और उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। तो सिमिलरली फिर वो तो इनका एक अब्बा का वाकया था, फिर ये एक अपना बताती हैं कि सऊदी अरब में जब ये लोग थे तो वहाँ पे एक इनको ख्वाब आया कि ये एक कमरे में देख रही हैं जो ब्लैक आउट हुआ हुआ बेडरूम है, वो अंधेरा है और दरवाज़ा उसका खुला है, और उनके खुले दरवाजे के सामने से इनके वालिद साहब गुजरे, तो किसी चीज़ ने उनको पकड़ के अंदर खींचा, तो उन्होंने छुड़ाया उससे और भाग गए बाहर। और उसके बाद इनके चचा आए सामने, तो चचा को पकड़ के खींच लिया अंदर और फिर इनकी आँख खुल गई। तो ये वहशत में उठ के ये देख के ये गई, और बाहर निकल के इन्होंने अब्बा से खैरियत मालूम की, तो उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मुझे फील हुआ कि जैसे मुझे कोई चीज़ खींच रही है। और फिर चचा की खैरियत मालूम की तो पता चला वो सख्त बीमार पड़े हैं उस वक्त। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस टेल्स ऑफ योर हाउस, और डू लेट अस नो और मोर ऑफ इफ यू हैव मोर स्टोरीज। और इसी बात से आगे बढ़ते हैं एहसन भाई की ऊपर। एहसन भाई लिखते हैं लड़काना से और कहते हैं कि जाए हवेली थी, उसका नाम था लाल कचहरी। और लाल कचहरी मतलब प्री पार्टीशन बहुत पुराने ज़माने की थी, और प्री पार्टीशन ज़माने में, पार्टीशन के ज़माने में ही वो जो थी, समझ लें बुलडोजों के उसके ऊपर मकानात बन गए थे। अब उसमें 1970s में उस प्लॉटिंग या उस मकानों के बीच में एक मकान इनके दादा ने परचेज किया था। अब वो परचेज किया वो मकान में, शुरू में तो सब अच्छा था, सब ज़बरदस्त था, सेट था। तो बाद में क्या हुआ कि मोहल्ले वाले इलेक्शन को बोलते थे कि फला कमरा सही नहीं है इस मकान का, हमने सुना है, तो उधर को अवॉइड करें, तो ये लोग इग्नोर करते थे। लेकिन उस कमरे की खासियत तक की बात ये थी कि वो जो कमरा था वो जितनी रोशनी वहाँ कर लो वहाँ अंधेरा ही लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ की लाइटें जली हुई थी, और रात के टाइम इनके वालिद साहब एहसन के वहाँ लाइट बजाने बंद करने जब गए,
बंद करके जैसे मुड़े तो उस बंद दरवाज़ा, मतलब दरवाज़ा भी बंद किया कमरे का, तो बाकायदा नॉकिंग हुई। अब वो रुक गए, फिर उन्होंने सोचा कि बस कुछ भी होगा, हवा होगी, कुछ भी होगा, इग्नोर किया क्योंकि कमरा खाली था, उन्होंने खुद अपने हाथों से लाइट बंद की है, तो चल पड़े। तो फिर नॉकिंग किया बाबा जी, ये बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और चले गए। लेकिन उस दिन के बाद से अब उस कमरे में नॉकिंग की एक कांस्टेंट आवाज़ आना शुरू हो गई, कोई गुजर रहा हो नॉक, कोई गुजर रहा हो नॉक। अब दिल में सबने ये सोचा होता है ये हमारा वहम है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है करके चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि इनके बड़े भाई जो हैं एहसन के, वो एक दिन जाग रहे थे जबकि सब सो चुके थे, तो वो नीचे के फ्लोर पे थे, ये कमरा ऊपर था। तो इनको ऊपर के फ्लोर से आवाज़ आई कि इनकी वालदा इनको बुला रही है ऊपर। ये गए ऊपर देखने के, भाई वो क्यों बुला रही है, देखा कोई नहीं। अब जब पलट के जाने लगे तो उसी का बंद कमरे में से आवाज़ आई इनको बुलाते हुए वालदा की। ये समझे कि भाई पता नहीं क्या, शायद अंदर फंस गई है, कुछ हुआ, तो दरवाज़ा खोला, लाइट खोल के अंदर घुस गए, देखा तो कोई भी नहीं था। तो बाहर निकलने लगे तो इनको बाकायदा गाल पे एक फोर्स महसूस होके दीवार के साथ ऐसे चिपका दिया। अभी दीवार के साथ लग गए और नज़र भी कोई ना आए। इन्होंने दिल में और मुंह पे जो दुआएं आई इन्होंने पढ़ी और फिर छुड़वा के बाकायदा लड़ लड़ा के निकल के भागे। निकल के जब भागे तो महसूस हुआ कि कोई पीछे भी आ रहा है, तो पट गए अपने रूस रूम से निकल के जब भागे तो देखा वो आगे चचा खड़े हैं, चचा से आके लिपट गए और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि मुझे जान बचाओ, ये पीछे पता नहीं क्या आ रहा है, ये कौन है, क्या हो रहा है। तो चचा उस बच्चे को पकड़े हुए देखने लगे तो देखा उन्होंने कि उस कमरे में से का साया निकला, साया सा ऐसे चक्कर काट के वो वापस चला गया। चचा को भी एहसास हो गया कि ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा, कुछ अजीब सा सिलसिला चल रहा है। ले गए उसको नीचे और उन्होंने बोला अब सुबह जब सब उठेंगे तो हम उससे बात करेंगे। सुबह उठ के जब ये बयान करना शुरू किया कि ऐसा हुआ था रात में, ऐसा हुआ, तो ये मकल्लम खुद इनको सुन के बड़ी हैरानी हुई कि ऐसी बातें कर रही हैं, क्या आप बात कर रहे हैं। तो ये उठे और इन्हें सोचा कि मैं देख के आऊँ खुद, तो ये गए ऊपर कमरे के अंदर। जब देखा तो कमरे के बाहर एक चप्पल पड़ी हुई है भाई की, अंदर देखा दूसरी चप्पल, और फिर जब गौर से देखा तो पूरे कमरे में तीन उंगलियों वाले पैरों के निशान। वो डर के ये वापस नीचे आए तो दादा अबू आ चुके थे उस वक्त, ये पूरा बयान चल रहा था। तो बात उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से पूछा है और ये पता चला है कि इस कमरे में गिट मोती रहते हैं, कुछ छोटे से कद की मखलूक है, तो बेहतर यह है कि इस दरवाजे को अब हमेशा के लिए बंद कर दो और ये दरवाज़ा कमरा ना खोले। अब वो कमरा तो बंद कर दिया, लेकिन जब भी उधर से कोई गुजरे वहाँ से कोई उसको नॉक करे, और जब तक ये लोग उस घर में रहते रहे वो दरवाजे पे कोई ना कोई खटखटाता रहता था हर दिन। तो थैंक यू एहसन फॉर राइटिंग दिस इन, एंड आई रियली होप एवरीथिंग इज गुड नाउ। और अब हम बात करते हैं हमारे दोस्त मोहम्मद मसना मोहतशिम की। ये कहते हैं कि इनके जो चचा थे, बल्कि हैं वो अब तो इमिग्रेट कर गए हैं कहीं, लेकिन एक ज़माने में कराची के बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे और उधर ही उस हॉस्पिटल में इनको रेजिडेंसी या मतलब रेजिडेंस भी मिल गया था, घर भी मिल गया था और ये वहीं रहते थे। तो अब वहाँ पे ये रहते थे, नाइट शिफ्ट करते थे, घर वाले भी साथ थे। अब घर जो इनको मिला था वो ऐसा था कि उसकी एक दीवार के बराबर में पतली सी गली, पतली सी गली की तरफ जो दूसरी दीवार थी वो मुर्दों के सर्दखाने की थी। और कहते ही हैं कि पहली या दूसरी मतलब शुरू की रात, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे, कि चीज़ें गायब होना, लोगों का महसूस होना,
और वो हल्की सी आवाज़ें आना, पैर किसी चहल कदमी की आवाज़ें आना कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और गली के अंदर भी चहल पहल है, और मतलब जबकि कोई नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को तो इग्नोर करते हुए वक्त गुजारा, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बढ़ती गईं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक रात ऐसा हुआ कि रात के 2 बजे का टाइम था, चची सो रही थी और चचा गए हुए थे नाइट ड्यूटी पे। तो एकदम से इनकी आंख सोते में से खुली तो इन्हें देखा कि भाई दरवाजे पे कमरे चचा खड़े हैं। बड़ी हैरान हुई, इनने बोला आपकी ड्यूटी जल्दी ख़त्म हो गई आज? इनने कोई जवाब नहीं दिया और अजीब तरीके से इनको घूरते रहे। अब ये अनकंफर्टेबल भी फील हो रही थी, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब लेटे लेटे वो उनको देख रही थी तो चचा ने बोला, उठो मेरे साथ छत पे चलो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नींद बहुत शदीद आ रही है और तबीयत भी कुछ अजीब सी है, तो मैं सो रही हूँ, तो सुबह देख लेंगे। अगर आपको जाना है आप अभी चले जाएँ, हम कल देख लेते हैं। और ये क्योंकि अनईजी इतना फील कर रही थी कि बस इन्होंने पीठ पलटी और आंखें बंद कर ली और कोशिश की कि सो जाएं। और बाकायदा फिर फील हुआ कि कोई चला गया, और बाकायदा ऊपर की तरफ जाते हुए आवाज़ें आई जैसे कोई पैर की मूवमेंट हुई, और बस इनकी आँख लग गई। आँख जब दोबारा खुली तो सुबह का टाइम था। उठ के देखा तो देखा वो चचा बैठे हुए, तो उनसे पूछा कि भाई आप रात को तो बड़ी जल्दी आ गए आज। तो उन्होंने बोला मैं तो अभी आया हूँ, आधा घंटा नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला नहीं, रात को आप आए थे, ऐसा ऐसा मुझे कह रहे थे छत पे चलो ये वो। तो बोला मैं तो बहुत बिजी था और मैं तो अभी फजर के बाद आया हूँ, तो मैं तो रात में नहीं आया। तो चौंक गए, बोले ये क्या बात हुई? तो नींद के ऊपर ये चीज़ डाल के इग्नोर कर दी गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि बच्चे घर में खेल रहे थे, चचा गए हुए थे, ये अपने किचन में या कहीं थी, तो रोते हुए बच्चे आए इनके पास और कहते हैं कि उस कमरे में कोई है। तो इन्होंने सब बच्चों को अंदर दूसरे कमरे में डाला और बोला यहाँ से हिलना नहीं, और वहाँ गई। तब स्टोर जैसा वो कमरा था जहाँ पे एक पुराना फ्रिज भी रखा हुआ था। अब उसमें इधर उधर देखना शुरू किया तो उनको फ्रिज के पीछे कुछ नज़र आया। जब झांक के देखा तो देखा एक आदमी जिसने कफन पहना हुआ है और उसके लंबे लंबे बाल हैं, वो इनको देख रहा है। और जैसे ही उसने इनकी आई कांटेक्ट उसके साथ हुआ, उसने इनको देख के हंसना शुरू कर दिया। ये वहाँ से उल्टे पांव भागी, बच्चों को लेके कमरा बंद करके बैठ गई। और जब चचा आए तो ये बताया और सब कुछ पूरा घर चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला, चौकीदार वगैरह कुछ भी नहीं। अब एहसास तो हो गया था कि यहाँ कुछ मसला है, घर वाले बहुत शदीद परेशान थे, लेकिन अब चचा यही सोच रहे थे ये क्या हो रहा है। फिर एक दिन चचा सहन में नमाज पढ़ने खड़े हो गए। अब नमाज में के अंदर जब ये खड़े हुए थे तो इन्हें महसूस हुआ कि दरवाजे की चौखट अंदर से, मतलब कोई आके दरवाजे पर खड़ा हो गया है, घर के अंदर से कोई आदमी निकला और खड़ा हो गया दरवाजे पर। हम नमाज में थे ये और पलट के देख नहीं सकते, तो या नमाज ही में रहे, और इनने बोला नमाज पढ़ते रहो। तो ये जब सजदे में गए तो वो जल्दी से आदमी आके इनके पीछे चला गया। जब वो इनके पीछे चला गया तो इन्हें इनको एहसास हुआ कि कोई है खड़ा हुआ है। तो अब ये नमाज वगैरह पढ़ के फारिग हुए, जब खड़े हुए और पलटे तो देखा एक आदमी खड़ा हुआ है अजीब सा, जिसका मुंह पूरा जला हुआ है और अजीब वहशतनाक तरीके से इनको घूर रहा है। तो ये तो खौफज़दा और वज़ू बा वज़ू खड़े हुए, इन्हें आयतें पढ़ना शुरू की और वो एकदम से धुएं की तरह गायब हो गया। उसके बाद ये परेशान हो गए और इसी तरीके से रात हुई और ये सोने लगे। तो ख्वाब में उनको वो आदमी आया और उस आदमी ने कहा कि तुम बावजू थे और तुमने बहुत सही वक्त पे बहुत सही चीज़ें पढ़ी, वरना आज तो तुम्हें मैं छोड़ता नहीं और तुम्हें तो मैं फारिग करके ही छोड़ूंगा। ये सुन के तो बस वो उठे और उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी कि भाई अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, और एक मस्जिद के पास घर सेलेक्ट करके वहाँ शिफ्ट हो गए।
और वहाँ पे फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो थैंक यू मोहतशिम फॉर शेयरिंग दिस टेल एंड आई रियली होप कि ऑल इज़ वेल नाउ। और आज की बात फिर आखिरी ख़त्म करते हैं ये सेशन। वैसे भी ये मेरे लिए तो रिपीट टेलीकास्ट है, और सुल्तान दाऊद साहब की स्टोरी से जो मरी से ताल्लुक़ रखते हैं। कह रहे थे कि भाई बारबेक्यू का सीज़न चल रहा था, दोस्त के घर पे बारबेक्यू था और सब वहाँ गए हुए थे। ये मालपुर नाम की जगह है, रावल लेक के पास एक गांव है, और उसके बारे में लोग बड़ी स्टोरियाँ सुना रहे थे कि भाई ऐसा ख़तरनाक जगह है, लोग गायब हो गए हैं, ये किट मतलब मिलते नहीं है, और यूँ है और लोग रात को निकले कभी वापस नहीं आए, कभी मिले ही नहीं, और मतलब इस तरह की स्टोरियाँ करते करते रात हो गई लंबी और हो गए 1 बज गए। सब लोग जा चुके थे, ये आखिरी आदमी रह गए थे पीछे, तो उनको भी एहसास हुआ कि बस अब घर जाने का टाइम हो चुका है, तो चल पड़े। अब जब निकले तो सड़क खाली, और ये इलाका भी ऐसा था बिल्कुल घुप अंधेरा, कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं, तो इन्होंने गाड़ी भगाना शुरू की। तो बीच मतलब 1:30 बजे के करीब ये कहीं बीच में थे जहाँ बिल्कुल घुप अंधेरा था, तो रोड पे स्पीड पे जाते हुए एकदम से गुजरे, तो नहीं देखा रोड पे एक यंग लड़की खड़ी हुई है अजीब से हालत में। तो ये आगे निकल गए, इन्होंने ब्रेक मारी, और उसके बाद इनको एहसास हुआ कि कोई एक्सीडेंट या कुछ मसला तो नहीं हो गया है, और इधर तो दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो इन्होंने गाड़ी रिवर्स की, गाड़ी रिवर्स करके खिड़की खोल के पूछा कि सब खैरियत है। तो जब उन्होंने लड़की की तरफ देखा तो अजीब बाल बिखरे हुए, सफ़ेद सा ड्रेस, गंदा सा, और आँखें हैं नहीं, आँखों की जगह सुराख होल्स, और इनको देख के मुस्कुरा रही है। ये देख के इन्हें शीशा बंद किया जल्दी, और उसके बाद गाड़ी जो है उस वक्त तक बंद हो चुकी, उसको चाबी घुमा रहे, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, हत्ता कि जो हेडलाइटें खुली हुई थी वो भी डिम होना शुरू हो गई। अब जब वो डिम होने लगी तो इनको तो एहसास हुआ कि ये असल वजह है जो लोग कहते हैं कि लोग मिलते नहीं हैं अब दोबारा, और ये वो, और आगे पीछे हड़बड़ा के देख रहे हैं। तो देख रहे हैं कि एक तरफ वो उनके दरवाजे की तरफ आई, तो दूसरी तरफ वो दूसरे बराबर वाले दरवाजे पे खोलने की कोशिश कर रही है, खिड़की पे प्रेशर आ रहा है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश हो रही है। अब ये स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट ना हो, और वो लड़की इनके दरवाज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है, फिर इनने आयतें पढ़ना शुरू की। तो एहसास हुआ कि भाई आयतों की वैसे कम से कम गाड़ी के अंदर तो नहीं आ सकेगी। वो इनको देख के मुस्कुरा रही है और कोशिश कर रही है कहीं से अंदर आ जाए। तो जब इन्होंने बिल्कुल ज़ोर शोर से पढ़ना शुरू किया तो फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। जब गाड़ी स्टार्ट हुई, इन्होंने बोलाओ ना ताओ, इन्होंने गियर डाला गाड़ी चलाने के लिए, तो देखा वो बिल्कुल गाड़ी के बोनट पे खड़ी हो गई। तो इन्होंने बोला कि भाई जो भी है, उन्होंने गाड़ी उस पर चढ़ा दी। जैसे ही गाड़ी उस पर चढ़ी, उसने ऐसी कोई चीख भयानक चीख मारी और ऐसा एहसास दिया कि वो अंदर आने के लिए गाड़ी के तड़प तड़प रही है, लेकिन इन्होंने स्पीड बढ़ा के रखी और उसके ऊपर से गाड़ी गुजार दी। और जब गाड़ी गुजर के आगे बढ़े तो पीछे देखा तो वो और लड़की अपनी जगह खड़ी हुई, और उसने इनके पीछे भागना शुरू किया क्योंकि ये स्पीड इनकी बढ़ती जा रही थी। अब वो भाग रही है इनके पीछे और उसकी टांगे नज़र आ रही, तो अजीब काले सेटों की तरह टांगे, और वो ज़मीन पर टक टक कर रही है और तेज़ी से इनके पीछे आ रही है। और ये गाड़ी बस थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके इन्हीं भगाई, और स्पीड मारते रहे फुल जितनी मार सकते थे, जब तक कि वो नज़र आना बंद ना हुई। जब वो नज़र आना बंद हुई तो इन्हीं पीछे देखना छोड़ा और ये सीधा निकलना शुरू है। उसके बाद तो ये घर पहुँचे, और घर पहुँच के तो ये कई दिन तो सोए नहीं, और अभी भी वो ख्वाब में उनको नज़र आ जाती है तो इनकी नींदें उड़ जाती हैं। और ये यही सोचते हैं कि उस दिन अगर मैं नेकी के चक्कर में गाड़ी से उतर जाता कि भाई सब खैरियत है, तो शायद मैं दोबारा दूसरों की जिस तरह कहानियाँ सुनाते हैं तो मेरी भी कोई सुना रहा होता कि मेरा एक दोस्त था और वो ऐसे गया था और वो वापस घर नहीं पहुँचा।
तो थैंक यू सुल्तान फॉर राइटिंग इन विद द स्टोरी, एंड आई रियली होप कि आज के बाद से आप इतनी लेट नाइट ड्राइविंग नहीं करेंगे इन बाइक वालों की तरह। तो थैंक्स अगेन, स्टे सेफ, स्टे सेन, स्टे आउट ऑफ ट्रबल, एंड फ्यूचर में जब आप मुझे लिखते हैं तो उसमें आप ये भी बता दिया करें अब कि मैं स्टोरी में आपका नाम कैसे लूँ, पूरा नाम लूँ, सिंगल लूँ, और या मैं आपका ईमेल एड्रेस या कोई ऐसी चीज़ बता दूँ ताकि एक फॉर्मेट हमारा तय हो जाए। तो शुक्रिया एंड थैंक्स अगेन, सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट क्या करें, हो जाता है एंड करना भी पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, एंड खुदा हाफिज़।